नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डी जे सर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में चल रहे हमारे समास। समास कितने आपके इम्पोर्टेंट हैं या महत्वपूर्ण हैं आप जान सकते हो। जो आपके अभी परीक्षाएं हो रही हैं इसमें भी आपके समास से संबंधित जो प्रश्न बने हैं वो आपके आए हुए हैं। तो हमने पिछली क्लास में आपके समास की भूमिका के बारे में देखा कि समास की उत्पत्ति कहाँ कुछ भाषा से मानी गई है। समास आपके संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जो आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, समधन आस। समास मूलतः शब्दों का मेल होता है और संधि आपके वर्णों का मेल है। तो समास में आपके समास का जो शाब्दिक अर्थ कहते हैं वो होता है आपके संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त करना। कम शब्दों में अपनी बात को कहना ही क्या होता है समास कहलाता है। और इसका जो विलोम मैंने बताया था होता है व्यास। व्यास यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना, व्यास होता है इसका, ये आपका विलोम भी होता है। तो बिहारी दास जी के जो समस्त दोहे कहते हैं उन्हें कहा जाता है कि गागर में सागर भरने का कार्य किया था। तो बिहारी जी के समस्त दोहे आपके सामासिक शैली में लिखे गए हैं क्योंकि उनके संक्षिप्तीकरण मानी बात कहना कुछ चाह रहे थे और लिख कहे ना कुछ चाह रहे तो कह कहा कुछ था। यानी आपके कम शब्दों में आपके अत्यधिक बात को कहना ही बिहारी की एक कला थी। तो बिहारी इसमें निपुण थे। तो बिहारी जी के जो समस्त दोहे हैं वो इसी कला शैली में लिखे गए हैं, यानी सामासिक शैली में लिखे गए हैं और गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने इसी क्लास में बताया था, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत ललियात भरत भरे भुवन में करत नैनन हिस्सो बात। यानी नायक नायिका अपने प्रेम का इजहार भरा भुवन है यानी पूरा भरा हुआ है, और भुवन यानी आपका जो भवन है वो पूरा भरा हुआ है, वो अपने बात को कह नहीं पा रहे अपने नायक नायिका, तो वो आँखों से ही नैनों से ही प्रेम का इजहार कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात को कवि बिहारी दास जी ने कम शब्दों में स्पष्टीकरण करा था। तो समस्त इनके दोहे होते हैं वो आपके गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। तो हमने भूमिका देख ली थी समास की, आपके परिभाषा देख ली थी, संधि और समास में मैंने अंतर भी बता दिया था कि संधि आपके वर्णों का मेल है और समास आपका शब्दों का मेल है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी हो गई थी। अब चलते हैं हम समास के मैंने प्रकार, समास आपके मूलतः 6 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन अगर पद की प्रधानता के आधार पर बात की जाए तो आपके समास कितने प्रकार के माने गए हैं, 4। पद यानी प्रथम पद, द्वितीय पद यानी इसके आधार पर भी आपके बांटे गए हैं। तो आज बात करेंगे हम पद की प्रधानता के आधार पर। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आपके इनको मूलतः 4 भागों में बांटा गया है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के ये व्याकरण शास्त्री थे हिंदी के, तो इन्होंने आपके समास को मूलतः 4 भागों में बांटा है। यदि देखिए प्रश्न बनता है कि समास के प्रकार कितने हैं, समास के प्रकार तो समास के मूल आपके 6 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था आपके अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद, दीर्घ, कर्मधारय और आपके बहुव्रीहि समास। तो ये आपके 6 हो गए। अगर प्रकारों की बात की जाए, अगर पद की प्रधानता के आधार पर, ध्यान दीजिए मैं क्या शब्द बोल रही हूँ, पद की प्रधानता के आधार पर इनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। हिंदी व्याकरण शास्त्री थे आपके पंडित कामता, पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर समास का विभाजन, या फिर कह सकते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इन्हें आपके पद की प्रधानता के आधार पर यानी पदों की प्रधानता के आधार पर
पदों की प्रधानता के आधार पर चार भाग किए हैं। कितने भाग किए हैं? चार भाग माने हैं। अब ये चार भाग कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। अब मैं आपको टेबल बताती हूँ कि चार भाग कौन से हैं। देखते हैं नंबर एक। नंबर एक आता है आपके पास अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास। नंबर जो दूसरा आता है वो है इसमें आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसी में आपका आता है दीर्घ समास। और इसी में आपके आता है कर्मधारय समास। नंबर जो तीसरा चौथा आपके बताया गया है, तीसरा ये होता है आपके पास द्वंद्व समास। और नंबर चार है आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास तो मैंने आपको बताया कि पद की प्रधानता यानी पद कौन कौन से इसमें प्रधान होते हैं वो देखते हैं। इसमें देखिए अव्यय भाव समास के अंतर्गत आपका प्रथम पद होता है, प्रथम पद यानी पहला पद, प्रथम पद यानी पहला, पहला पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? प्रधान। इसको यही बता रही हूँ, पहला पद क्या होता है आपका? प्रधान होता है। जबकि इसमें उत्तर पद, उत्तर यानी दूसरा, उत्तर यानी दूसरा, दूसरा जो पद है, दूसरा पद क्या होता है आपका? गौण होता है। गौण यानी छुपा हुआ होता है, ठीक है। यानी आपकी प्राथमिकता किसकी होती है? पहले की। आपके दूसरा जो होता है तत्पुरुष समास, दीर्घ समास और आपके कर्मधारय, इसमें आपके उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर, उत्तर यानी दूसरा, उत्तर पद प्रधान, उत्तर यानी दूसरा। और प्रथम प्रधान, प्रथम पद, प्रथम यानी पहला पद क्या होता है आपके पास? गौण होता है यानी छिपा हुआ होता है। गौण यानी छिपा हुआ होता है। द्वंद समास, द्वंद दो यानी आपके इसमें ही दोनों पद, द्वंद यानी आपके दोनों, यानी आगे वाला भी और पीछे वाला भी इसमें प्रधान होता है। यानी प्रथम और उत्तर दोनों ही इसमें प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, दोनों पद यानी प्रथम पद भी और उत्तर पद भी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, प्रथम व उत्तर दोनों प्रधान, ठीक है। अब बहुव्रीहि जो समास होता है इसमें आपके अय पद प्रधान होता है। ए यानी अन्य पद, यानी जो दिया गया होता है उसके बारे में ना बात करके किसी ए के बारे में, किसी तीसरे के बारे में जब हम सोचते हैं या सोचने पर विवश होते हैं उसमें आपके बहुव्रीहि समास आता है। तो इसमें आपके प्रधानता होती है ए पद की यानी अन्य पद की। ए पद आपके क्या होते हैं इसमें? प्रधान होते हैं। ए पद की प्रधानता होती है। तो ये आपके पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर, या कह सकते हैं हम अगर क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के आधार पर समास कितने प्रकार के माने गए हैं, तो उनके आधार पर आपके चार भागों में बांटा गया है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपकी जो हिंदी की
आपके जो पूरा पेपर हिंदी पे टिका होता है, जैसे कि आपके सेकंड ग्रेड हुआ सिलेबस वाले पेपर बच्चे, और आपके एसआई का पेपर हुआ, एलडीसी एग्ज़ाम हुआ, इनमें इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो अगर पूछा जाए कि समास के प्रकार, तो समास हमारे 6 प्रकार के माने गए हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, दीर्घ, कर्मधार, द्वंद्व और आपके बहुव्रीय। लेकिन अगर पद की प्रधानता, याद रखना मैं बार बार मैं एक चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ, पद यानी आपके ये प्रथम पद या उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर, यानी इनके आधार पर आपके इनको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अव्ययीभाव, नंबर 2 इस दूसरे में ही आपके ये तीनों पद आ जाएंगे, यानी इनमें दूसरा तत्पुरुष समास होता है, दीर्घ समास और आपके कर्मधार समास, फिर आता है द्वंद्व समास जिसमें आपके उत्तर और प्रथम दोनों पद की प्रधानता मानी गई है, फिर आता है आपके बहुव्रीय समास। बहुव्रीय समास तो ये हुआ आपके, इसके आराम से उतारिए, देखिए दोबारा दे मान लेते हैं। अव्ययीभाव समास में जैसे समस्त पद जो होते हैं अव्यय होते हैं और इसमें इसका जैसे कि हुआ यथासंभव, भर पेट, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है कि समस्त जो पद होते हैं उपसर्ग युक्त होते हैं, या तो शब्द मिल जाते हैं आजन्म, आजन्मा या अजय, तो जिस तरह के उपसर्ग युक्त जो शब्द होते हैं वो भी आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बात हुई आपके अव्ययीभाव समास की। एक आपके अव्ययुक्त शब्द होते हैं, ठीक है, तो आपके यथा, भरपेट, तो इस तरह के शब्द, प्रतिदिन, इस प्रत्येक, मतलब प्रत्येक शब्द किस में आएगा, अगर मैं कहूँ कि प्रत्येक आपके शब्द किस में आएगा, तो प्रत्येक किस में आएगा, आपके अव्ययीभाव समास में आएगा। मैंने परिभाषा लिखवाते समय एक शब्द अंतर बताते समय एक बात कही थी कि जरूरी नहीं कि समस्त संधि में आपके जो समस्त पद होते हैं संधि में आपके समास हो, अनिवार्य नहीं है, लेकिन समासों में संधि होना अनिवार्य है। अब जैसे कि मैंने लिखा आपके सामने प्रत्येक, अब मैंने आपसे बोला कि प्रत्येक शब्द किसके कौन सा समास है या प्रत्येक में कौन सा समास है, तो पहले तो मैं इसकी देखिए संधि करके देखती हूँ, तो संधि कौन सी, यण संधि है, देखते से ही पता चलता है। देखो कब मैंने बोला प्रति धन एक, अब कौन सी संधि है, यण संधि, अब यण संधि का उदाहरण आ गया आपके अब भाई आप समाज में, प्रति क्या है, प्रति क्या है, उपसर्ग है, तो आपके ये गया आपके इसमें। तो अव्ययीभाव समास में आपके उपसर्ग युक्त शब्द भी आते हैं और आपके अव्ययुक्त शब्द भी आपके इसमें आते हैं। सेकंड बात करते हैं दूसरे हम तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में आपके ये आपके 3 भागों में विभक्त किए गए हैं, लुप्त कारक पद, लुप्त पद और आपके नए तत्पुरुष समास। ठीक है, दीर्घ समास में आपका जो प्रथम शब्द होता है दीर्घ में आपके समस्त संख्यावाची जो शब्द होते हैं वो दीर्घ समास के अंतर्गत जाते हैं, जैसे कि पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो ये 5 उसमें गया, नवरात्र, 9 रातों का समूह, ठीक है, और एक दंत, एक है दंत जिसका, तो ये हमने सब समूह, जहाँ पे समूह और समाहार शब्द आता है, समूह या समाहार शब्द आता है वो सब कहाँ जाएगा आपके दीर्घ समास में। कर्मधार समास में आपके आपके उपमेय या उपमान, उपमेय या उपमान या विशेषण या विशेष या आपके विशेष्य से संबंधित जो भी शब्द आते हैं, गौर कीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, विशेष्य या विशेषण से संबंधित या उपमान या उपमेय से संबंधित जो भी शब्द होते हैं वो सब कहाँ आएंगे, आपके कर्मधारय समास में आएंगे। जैसे कि नवयुवक, महात्मा और आपके हो गया चरण कमल, कमल नयन, पीतांबर, ठीक है, तो विशेषता जहाँ पर बता दी पीतांबर, अब मैंने बोला पीतांबर, तो मैंने एक शब्द बोला पीतांबर, अब पीतांबर मैं क्या बताया, पीत यानी क्या होता है, पीला, पीत यानी क्या होता है, पीला, अंबर यानी क्या होता है, वस्त्र, तो वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं, विशेषता बता दी, तो ये सब कहाँ जाएंगे आपके कर्मधारय समास में। लेकिन पीतांबर किसी एक के बारे में बात कर रहा, किसी और के सोचने पे भी हमें विवश कर रहा है, जैसे कि पीतांबर श्री कृष्ण को भी बोला जाता है क्योंकि आपके वो पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो वो ऐसा उसमें भी चला गया।
अगर दोनों ही शब्द आ जाएं, मान लीजिए आपके कर्मधारय भी आ गया और बहुव्रीय भी आ गया, तो आपकी प्राथमिकता रहेगी, अनिवार्यता रहेगी बहुव्रीय समास की। अगर बहुव्रीय समास ना दिया गया हो, कर्मधारय दिया गया हो, तो आपके क्या आएगा, कर्मधारय समास यहाँ आएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की बात करते हैं, इसको भी हम तीन भागों में विभक्त करते रहे हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और आपके समाहार द्वंद्व, तीन भागों में व्यक्त किया गया। देखिए अब जो हम कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हमारी छोटी कक्षाओं की से नहीं है कि आपके पूछ लिया ये कौन सा समास है, अब आपके अंदर से प्रश्न बनते हैं। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि आपके प्रतियोगित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, और इसको अगर आप इसके लिए अथक प्रयास और मेहनत की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपकी कोशिश सफल होगी। और आप अच्छी तरह जानते हो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर आप इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, यानी आप देखना चाहते हैं कि प्रश्न कैसे बनते हैं और कहाँ कैसे किस प्रकार उनका टाइप्स होते हैं, तो आप डिजिटल क्लासेस के ऐप पे टेस्ट वन पर जाइए, वहाँ आपको 4,500 हिंदी से संबंधित प्रश्न मिलेंगे जो आपको पूरी तरह से फ्री हैं। तो वहाँ आप जाकर इसकी तैयारी कर सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार, यानी समास के भी आपको मिलेंगे, संधि के भी मिलेंगे, वाक्य के मिलेंगे, वाच्य से मिलेंगे, यानी आपको विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हमने हमारे टेस्ट वन पे डाला हुआ है, वहाँ आप जाकर अपनी तैयारी को देख सकते हो कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो मैं आपकी बात कर रही हूँ इसमें आपके इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और आपके समाहार द्वंद्व, यानी समस्त विलोम शब्द जो होते हैं, समस्त विलोम शब्द हुआ, आपके संख्यावाची जो शब्द हुआ, मैंने संख्यावाची शब्द यहाँ पर भी बोला है, मैं यहाँ पर ही बता रही हूँ, तो वो भी हम देखेंगे कि वहाँ पे भी संख्यावाची शब्द क्यों आएगा वो देखेंगे, तो वो भी आपके यहाँ पे आते। समस्त जो विलोम शब्द होते हैं, जैसे लाभ हानि हुआ, जय पराजय हुआ, हार जीत हुआ, दिन रात हुआ, ये सब किस में जुड़ते हैं, आपके द्वंद्व समास में। एक बात और, इसमें आपके योजक चिन्ह आता है, क्या आता है, योजक चिन्ह, आपके जैसे माता पिता हुआ, लाभ हानि हुआ, ये सब किस में आते हैं आपके, हम एक चीज़ हमने देखती है, अगर आप देखते हो तो हम क्या सोचते हैं भाई, जहाँ वियोजक चिन्ह लगा होता है वहाँ पे क्या क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके ये चीज़, तो एक पहचान होती है कि वियोजक चिन्ह लगा होता है, ऐसा नहीं है, बहुत से शब्द होते हैं जिसमें वियोजक चिन्ह नहीं लगा होता, वहाँ पर भी आपको ये देखना, जैसे कि मैं लिखा अपयश, एक शब्द लिखा मैंने अपयश, तो जिसमें आपके योजक चिन्ह नहीं है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं जहाँ योजक चिन्ह नहीं लिखा होता, वह भी आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत भी आते हैं। फिर बात करते हैं हम बहुव्रीय समास की, बहुव्रीय समास में ए पद होते हैं, यानी किसी ए, यानी तीसरे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो समस्त जो पद होते हैं वो किस में आएंगे, आपके ए पद के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके पदों की प्रधानता के आधार पर है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इसका विभाजन माना गया है, समाज आपके इस प्रकार भी होते हैं, और प्रकार माने जाएं तो आपके 6 प्रकार होते हैं, तो इसने आपने उतार लिया होगा। आगे चलते हैं हम, नंबर 1 लगाएंगे हम अव्यभाव समाज, यानी अभी हमने पढ़े थे आपके समाज की भूमिका पढ़ी थी, शुरुआत में परिभाषा पढ़ी थी, संधि और समाज के अंतर्गत अंतर देखा था, अब देखते हैं हम अव्ययीभाव समास, जो आपके मैंने बताया कि 6 प्रकार के माने गए हैं आपके समास। तो नंबर 1 जो हम हेडिंग लगाएंगे अव्ययीभाव समास, समास में पहला पॉइंट कर रहे हैं हम अव्यय, अव्ययीभाव समास। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, चलिए इसकी पहले परिभाषा देखते हैं अव्ययीभाव समास की। मैंने आपको पदों की प्रधानता के आधार पर भी इसके आधार पर इसको समझा दिया था, अगर आप समझ गए होंगे, तो पदों की प्रधानता के आधार पर इसमें प्रथम पद जो होता है आपका
प्रधान होता है और उत्तर पद इसका गौण होता है, यानी छिपा हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं आपके अव्ययीभाव समास कहते हैं। चलिए देखते हैं। जिस सामासिक पद में प्रथम पद प्रधान हो एवं उत्तर पद गौण हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हुई इसकी एक परिभाषा। जिस सामासिक पद में आपके प्रथम पद आपके प्रधान हो और उत्तर पद आपका गौण हो से क्या कहते हैं अव्ययीभाव समास कहते हैं। चलिए ये इसकी आपके सामने परिभाषा है। आगे देखते हैं इसी का एक रूप, इसकी एक और परिभाषा देखते हैं। देखिए पहला पद अव्यय होने के कारण इसका रूप, इसके जो रूप में परिवर्तन नहीं होता, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह हुई आपके, इसी का एक पॉइंट लिखवाया मैंने आपकी। ये परिभाषा ही है मेन परिभाषा आपकी है। प्रथम पद आपका प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है, ऐसे शब्द युक्त शब्दों को हम अव्ययीभाव समास के अंतर्गत लेते हैं। शब्द आता है यथासंभव प्रतिदिन हर पल आदि। यानी आपका पहला पद यानी इसमें क्या होता है अव्यय होता है, अव होने के कारण इसका रूप में परिवर्तन नहीं होता। ये थे कि यथा भर प्रति हर, ये क्या है आपके अव्ययुक्त शब्द है, इस वजह से इनमें कोई भी आपके इसलिए परिवर्तन नहीं माना जाता। यानी इसमें जो क्या है, जो मैं आपकी बात को अपनी बात को स्पष्ट कर रही हूँ, यानी पहला पद क्या होता है इसमें प्रधान होता है, यानी ये क्या है आपके अव्ययुक्त शुभ शब्द हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं प्रधान होते हैं। तो चलते हैं आगे। तो ये हुई आपके इसकी परिभाषा। आगे देखते हैं, आगे की क्लास में देखते हैं इससे संबंधित जो शब्द होंगे वो किस प्रकार बनते हैं। तो दोबारा देखते हैं आपके, जिस सामासिक पद में मैं परिभाषा बता रही हूँ अव्ययीभाव समास की, यहाँ से प्रश्न यदि बनता है, यहाँ से पद प्रश्न यदि बनता है तो कितनी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से उदाहरण में आएगा। तो याद रखना आप में इसमें इनमें इन उदाहरणों में आपके ने से संबंधित उदाहरण भी मिलेंगे, यानी नहीं से संबंधित। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास में सबसे पहले आपके जिस सामासिक पद में आपके प्रथम पद प्रधान होता है और आपके उत्तर पद गौण होता है, सबसे पहले ध्यान रखना है आपको प्रथम पद की। ठीक है, अव्ययुक्त होते हैं, उपसर्गयुक्त भी मिलेंगे और नकारात्मकता भी इसमें मिल सकती है। तो ऐसे जो समस्त जो शब्द होते हैं वो किस में जाएंगे आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत जाएंगे। तो यूँ ही आपके अव्ययीभाव समास, आपका समास हमने शुरुआत कर दी है। और जितना भी मेरी प्लस पिछली क्लासें नहीं देखी वो आई बटन पर जाइए, वहाँ आपको सभी मेरी क्लासें मिल जाएंगी। और अगर आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ मेरे आने वाले आपको समस्त वीडियोस मिल जाएंगे। आपको पता है अभी आपकी SI की भर्ती आ रही है और SI की भर्ती आप में जो मैं अहम भूमिका निभाती है, इसमें हिंदी की अहम भूमिका होता है। GK पूरा जो पेपर टिका होता है वो GK और हिंदी पे टिका होता है और हिंदी इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। अगर आप हिंदी अच्छी है आपकी तो आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं।
तो यानी सफल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं कल अव्ययीभाव समास के उदाहरण करवाऊंगी, फिर आगे बढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तत्पुरुष समास को भी मैं 3 भागों में व्यक्त करूंगी आपके, तो काफ़ी विस्तार से समास को हम पढ़ेंगे, जिस प्रकार हमने संधि को पढ़ा था। तो ये आपके चलते हैं आगे की क्लास में, आज के लिए इतना ही, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।